अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न आवर पोएम। द नेम ऑफ दिस पोएम इज कैच। आज हम जो पोएम पढ़ेंगे बेटा, तो उसका नाम क्या है? कैच। तो नाउ ओपन योर रीडिंग बुक्स, पेज नंबर 48। ओपन योर रीडिंग बुक, पेज नंबर 48। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। द ब्लैक कैट यॉन्स, ओपन्स हर जॉस। तो बेटा, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं, ताकि आपको इन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग करते हुए आसानी हो, ठीक है? तो आपने ये वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है, और साथ ही में इनके मीनिंग्स आपने राइट करते जाने हैं, ओके? तो आपने सबसे पहले जो भी हमने पढ़ा है, यॉन्स। तो यॉन्स मीन ऊँगना। ऊँगना क्या होता है बेटा? जैसे हल्का सा, मतलब नींद की खुमारी में बंदा होता है ना, उसको बोलते हैं ऊँगना, ठीक है? नेक्स्ट है वर्ड जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स है, वो क्या है? जॉस। जॉस मीन जबरे, ठीक, गुड। नेक्स्ट है स्ट्रेचिस। स्ट्रेचिस मीन फैलना, ठीक है, फैलाना। स्ट्रेचिस मीन फैलाना, फैलना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है इसी पैराग्राफ में है, दैट इज क्लॉस। क्लॉस मीन पंजे, ठीक है? तो देखिए, इस फोर लाइंस में हमें हर लाइन में एक एक वर्ड जो है वो मिल गया है। दैट वन इज यॉन। यॉन मीन ऊँगना। जॉस, जॉस मीन जबरे। स्ट्रेचिस फैलना या फैलाना। क्लॉस मीन पंजे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द ब्लैक हेयर यॉन्स, ओपन हर जॉस, स्ट्रेचिस हर लेग्स एंड शोज हर क्लॉस। Then she gets up and stands on four long stiff legs. तो बेटा, long stiff legs, stiff mean सख्त, stiff mean सख्त, ठीक। Next है and yawns some more. She shows her sharp teeth. वो क्या करती है? चले हम ये टू पैराग्राफ की थोड़ा मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। The black cat yawns, वो क्या करती है? Black cat जो है वो अपने, वो ऊँगती है, ओपन्स हर जॉज, अपने जबड़े खोलती है, स्ट्रेचिस हर लेग्स, और अपनी टांगों को फैलाती है, एंड शोज हर क्लॉज, और अपने पंजे दिखाती है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि वो पोइटर जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है? वो ये बता रहा है कि जब एक कैट जो है वो उठती है, तो वो क्या उसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है? हम उसकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। वो जब उठती है, वो थोड़ी सी जमाई देखती है, ऊँगती है, अपने जबड़े खोलती है, ठीक है, और अपने पंजे जो है वो दिखाती है। देन शी गेट्स अप एंड स्टैंड्स ऑन फोर, ठीक है, फिर वो उठती है, जागती है, बेदार होती है। देन एंड स्टैंड्स, और खड़ी हो जाती है, ऑन फोर, फोर मीन उसकी चारों लेग्स की बात हो रही है, लॉन्ग स्टिफ लेग्स, अपनी सख्त जो चारों टांगे हैं उन पर वो क्या करती है? खड़ी हो जाती है। एंड जॉन्स सम मोर, ठीक है, और भी थोड़ी सी और जमाई लेती है और ऊँगती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? शी शोज हर शार्प टीथ, वो अपने तेज जो दांत हैं उनको दिखाती है। शार्प मीन तेज, शार्प मीन तेज, वो अपने तेज दांतों को दिखाती है। शी स्ट्रेचिज हर लिप्स, और वो अपने होंठों को भी फैलाती है, ठीक है। देन हर स्लाइस ऑफ टंग, स्लाइस मीन टुकड़ा। लुक एट द वर्ड स्टूडेंट्स, स्लाइस मीन टुकड़ा, ठीक है। टर्न्स अप एट द टिप, टिप मीन के जो उसके मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है, वो अपनी टंग को स्लाइस, लाइक अ स्लाइस, वो अपनी टंग को ऊपर वाले हिस्से के साथ, टिप के साथ मिला देती है, ठीक है। लिफ्टिंग हर सेल्फ ऑन हर डेलिकेट टॉस, शी आर्चिस हर बैक एज हाई ऑन एज इट गोस। शी लेट्स हर सेल्फ डाउन, फिर वो क्या करती है? फिर वो बैठ जाती है विद पर्टिकुलर केयर, ठीक है। पर्टिकुलर मीन खास तौर पर, ठीक है, पर्टिकुलर मीन खास तौर पर। एंड फेड्स अवे विथ हर टेल इन द एयर, ठीक है। तो बेटा, इसमें जो हमारी पोएट्रेस है, इट्स नेम, हर नेम इज मैरी बी मिलर, ठीक है। द पोएट्रेस नेम इज
मैरी बी मिलर. तो ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट आवर रीडिंग. नाउ लेट्स ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 9. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको कुछ कॉलम दिखाई दे रहे हैं बेटा. तो ये क्या है, एक साइड पे उन्होंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, देन सेकंड जो है लाइंस बनी हुई है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इस उसको ये मतलब डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन किया गया है, मतलब जो खैर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके एक्शंस हैं उनको मोर डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है. तो जैसे मैं बोलती जाऊँगी आपने उसके अकॉर्डिंग, और इस मतलब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी मैचिंग करते जाना है. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, यॉन. यॉन तो देखिए बेटा, इट्स मीन टू ओपन योर माउथ एंड टेक अ डीप ब्रीथ, ठीक है. मतलब यॉन मीन ऊँघना का मतलब क्या होता है, टू ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलना और एक लंबी सांस लेना. यूजुअली व्हेन यू आर ड्रॉसी ऑन बोर्ड, ठीक है, अगर आप बोर हो रहे हो या आपको गनूदगी छा रही हो तो तब आप इस कैफियत में होते हैं, ठीक है. नंबर 2 इज जॉ. जॉ मीन जबरे, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सेकेंड लास्ट पे बेटा आप इसको मिलाएंगे, ईदर ऑफ टू बोन्स नियर योर माउथ दैट होल्ड योर टीथ, ठीक है, जहाँ पर आपके मुंह की दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक है, और मतलब ईदर ऑफ टू बोन्स नियर योर माउथ, आपके मुंह के जो करीबी हड्डियाँ होती है, दैट होल्ड योर टीथ, जो आपके पूरे दांतों को होल्ड करती हैं, उसको क्या कहते हैं, जॉ, ठीक. नंबर 3, क्लॉ. क्लॉ मीन हार्ड शार्प नेल ऑन द पा ऑफ एन एनिमल. क्लॉ मीन पंजे को कहते हैं ना, किसी भी जानवर का बेटा जो हार्ड शार्प नेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लॉ कहते हैं, ठीक. नंबर फोर स्टिफ. स्टिफ की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, नॉट ईजिली बेंट और चेंज इन शेप. स्टिफ का मतलब जैसे अभी हमने लास्ट में बेटा रीडिंग में पढ़ा था सख्त, तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है कि जिसको इजीली हम बेंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं स्टिफ, ठीक है. तो ये मैचिंग आपने करनी है. नेक्स्ट है डेलिकेट. तो डेलिकेट मीन फाइन. जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर 5, डेलिकेट. तो इसको हम लास्ट वाले वर्ड से मिलाएंगे, फाइन, ठीक है. डेलिकेट मीन फाइन. नेक्स्ट है आर्च. आर्च मीन टू फॉर्म ऑफ अ कर्व. आर्च का मतलब होता है खम देना, ठीक है. टू फॉर्म अ कर्व के मतलब एक खमदार जो चीज़ होती है उसकी ही एक ये फॉर्म है. नेक्स्ट है पर्टिकुलर. पर्टिकुलर मीन स्पेशल, ठीक है, जिसे मैंने आपको उर्दू में जैसा कि लिख कर दिखाया था. पर्टिकुलर मीन खास तौर पर, तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, स्पेशल. एंड द लास्ट वन इज फैट. इट्स मीनिंग इज द सॉफ्ट अंडर द सॉफ्ट. जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो लास्ट वन वर्ड है वो है फैट. फैट मीन द सॉफ्ट underneath part of the foot of such animals, cats and dogs, ठीक है. पैर मतलब जो उसके पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लाइक उन्होंने कहा अक्सर एनिमल्स के होते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो ये मैचिंग आपने करनी है पेज नंबर 9. ये वर्कबुक पेज नंबर 9 हमने बेटा सोल्व कर लिया है. नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 10. जी स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन वर्कबुक पेज नंबर 10? ओके गुड. आर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है. तो बेटा मैंने यहाँ पर जस्ट आंसर राइट कर दिए हैं, ठीक. तो आपने क्वेश्चन, क्योंकि आपकी वर्कबुक्स पे मेंशन है इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किए, यहाँ पे राइट नहीं किए. तो जस्ट मैं आपको इसके आंसर लिखवाऊंगी, ठीक है, साथ में इनको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ठीक. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज़ अ कैट बीन डूइंग जस्ट बिफोर द पोइम बिगिंस, ठीक है, कि जब स्टार्ट हुई थी पोइम तो उसके स्टार्ट पे कैट जो है वो क्या कर रही थी. द आंसर नंबर 1 इज द कैट वाज स्लीपिंग, कि वो सो रही थी. आंसर नंबर 1 इज द कैट वाज स्लीपिंग, कि कैट जो है वो स्टार्ट पे सो रही थी, ठीक है. नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द कैट्स टंग एज अ स्लाइस,
कि उसने उसकी टंग को उसकी ज़ुबान को लाइक अ स्लाइस क्यों कहा है कि स्लाइस की तरह लगती है, ठीक है। द रीज़न इज़ बिकॉज इट टर्न्स अप एट द टिप, क्योंकि उसको वो स्लाइस की तरह इजीली वो उसको ऊपर की तरफ टर्न करके उसको टिप के साथ लगा लेती है, ठीक है। लाइक अ स्लाइस, जिसको आप जैसे आप स्लाइस को इजीली टुकड़े को कर सकते हो मूव, ठीक है, इसी तरह वो अपनी टंग को इट टर्न्स अप एट द टिप। तो क्वेश्चन नंबर टू का मैं आंसर आपको रिपीट कर रही हूँ। आंसर नंबर टू इज बिकॉज इट टर्न्स अप एट द टिप। ओके, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट डज द कैट डू व्हेन शी लेट्स हरसेल्फ डाउन, कि वो जब बैठती है तो वो फिर क्या करती है। तो आंसर नंबर थ्री इज शी फेड्स अवे विथ हर टेल इन द एयर। शी फेड्स अवे विथ हर टेल इन द एयर। हैव यू डन स्टूडेंट्स? ओके, गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पोइम, के खैट के बारे में आपने पढ़ा है तो आपने खैट के जो आपको उसका इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है आपने उसको ड्रॉ करना है। तो बेटा मुझे जो इसमें पसंद आई चीज़ वो क्या है, उसका फेस है। तो दैट्स वे कि मैंने यहाँ पर वो ड्रॉ किया है। तो आप भी इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अगर इसके अलावा आपको उसके क्लॉज, आपको उसके लेग्स उसकी अच्छी लगी आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज वर्कबुक पेज नंबर 11। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसके आपकी सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है, आपने इसको जस्ट वन वर्ड में आपने इसका आंसर राइट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसके लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। नंबर वन इज़ हु इज़ द मेन कैरेक्टर, कि ये पूरी जो स्टोरी है किस एक बंदे पर या किस एक एनिमल पर ये सारी जो पोइम जो है वो बनी है वो क्या है। द कैरेक्टर इज़ कैट, द मेन कैरेक्टर इज ऑफ दिस पोइम इज़ कैट। गुड। नेक्स्ट है व्हाट डिड द कैरेक्टर वांट, कि जो कैट है वो इस पोइम में पूरी पोइम में वो क्या चाहती है, ठीक है। द आंसर इज द कैरेक्टर वांट्स टू बी फ्रेश, कि वो फ्रेश होना चाहती है, कि वो जितना मर्जी सो ले उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या करती है, वो बार बार कुछ ऐसे स्टेप्स करती है कि वो किसी ना किसी तरह वो फ्रेश फील करे, ठीक। द नेक्स्ट इज व्हाट इज कीपिंग द कैरेक्टर अवे फ्रॉम हिज या हर गोल, कि कौन सी चीज़ उसको उसके मकसद से दूर रखती है। तो दैट इज़ स्लीप, कि सोना बार बार जो उसको नींद आती है, स्लीप उसकी नींद की तलब होती है, वो उसको गोल से उसके मकसद से हटा देती है। बेटा जैसा कि देखें आप हैं, अगर आप लोग दिन में जो मतलब सोने के टाइम पे सोएंगे नहीं तो आप क्या करोगे, जब आपके काम का टाइम आएगा तो आपको उसमें नींद महसूस होगी, ठीक है। तो जैसे जब आपको अपनी नींद आपकी पूरी हो जाती है तो इट डजंट मीन कि आप बार बार बिस्तर पर लेटे हैं, आप सोए रहें, तो इससे क्या होता है आप पर हमेशा ही छाई रहेगी। अभी आप भी लाइक दिस कैट आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितनी नींद एक पर्सन के लिए ज़रूरी होती है तो वो उतनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार सो जाती है तो इसलिए उसकी नींद जो है वो पूरी भी नहीं हो रही, उस पर वही बार बार वही कैफियत उस पर तारी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द कैरेक्टर रीच हर गोल, कि वो अपने गोल तक अपने मकसद तक कैसे पहुंचती है। क्वाइटली, बहुत आहिस्तगी से पहुंचती है, क्योंकि वो बार बार जो सो जाती है तो फिर उसको अपने मकसद तक अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत स्लोली वो मूव करती है, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज हाउ डज द पोइम एंड, पोइम का एंड कैसे हुआ, हैप्पीली, ठीक है। हैप्पीली क्यों हुआ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में उसको बार बार नींद आती जा रही थी, देन लास्ट पे जाते जाते उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी उस खुमारी को नींद को कम करने की कोशिश की, और लास्ट पे फिर क्या हुआ कि उसका जो गोल था, उसका मकसद था, पूरे दिन में उसने क्या एक्टिविटीज़ करनी थी उसने कम्प्लीट कर ली, ठीक है। तो इसलिए इस पोइम का जो एंड है वो हैप्पीली हो गया। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन वर्कबुक पेज नंबर 12? गुड।
तो बेटा इस पेज पर हमारी जो है हमारे पास समरी है, हमने समरी लिखनी है इस पोइम के बारे में। तो बेटा जो भी पोइम होती है उसकी समरी जो है वो मस्ट होती है। उसमें क्या किया जाता है, पूरी पोइम को हमने समराइज उसमें करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये पोइम जो है वो किस बारे में है, इसमें क्या बयान किया जा रहा है, मतलब उसका मेन थीम, उसका पूरा जो ओवरऑल खुलासा है वो क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोइम खैर। खैर देखें बेटा, ये पोइम का मैंने टॉपिक जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। ठीक है, द पोइम खैर इज रिटन बाय मैरी बी मिलर। ठीक है, ये पोइटस नेम है मैरी बी मिलर। तो जब भी आपने बेटा पोइम जो है वो याद करनी है, उसकी समरी याद करनी है, तो उसके पोइट का या पोइटस नेम जो है वो आपने ज़रूर याद करना है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन, शी टेल्स अस अबाउट द कैच। ठीक है, कि वो इस पोइम में हमें खैर के बारे में बताती है। व्हेन द खैर गेट्स अप, जब खैर उठती है, शी यॉन्स, ठीक है, ओपन्स हर जॉज, शी यॉन्स, वो ऊँगती है, ओपन्स हर जॉज, अपने जबड़े खोलती है, एंड शोज हर क्लॉज, और अपने पंजे जो है वो दिखाती है। शी स्टैंड्स ऑन हर लेग्स, और वो अपनी टांगों पर खड़ी हो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, शी शोज हर शार्प टीथ, देन वो क्या करती है, अपने तेज दांतों को दिखाती है। देन शी लेट्स हर सेल्फ डाउन एंड फेड्स अवे विथ हर टेल इन द एयर। ठीक है, तो पूरी पोइम में वो क्या करती है कि वो पहले सुबह के टाइम जब वो उठती है तो वो अपने क्या करती है, यॉन्स अपने, वो एक जमाई लेती है। ठीक है, जैसे कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, देन ओपन हर जॉज, फिर वो अपने जबड़े खोलती है, ठीक, और अपने पंजे जो दिखाती है ऐसे। ठीक, नेक्स्ट फिर वो क्या करती है, शी स्टैंड ऑन हर लेग्स, वो अपनी टांगों पर खड़ी हो जाती है। शी शोज हर शार्प टीथ, और अपने तेज दांतों को दिखाती है। ठीक, देन शी लेट्स हर सेल्फ डाउन एंड फेड्स अवे विद हर टेल इन द एयर। ठीक है, तो बेटा ये आज की जो थी ये हमारी समरी है। तो ये बेटा आपको जो लेक्चर दिए जाते हैं इसका मकसद ये है कि आप जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है आप उसको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, उसको राइट करें, बार बार उस लेक्चर को देखें, ताकि जो आपको समझ नहीं आ रही लेक्चर को बार बार सुनने से वो आपके जहन नशीन हो जाए। ठीक है, और आपको जो असेसमेंट शीट्स दी गई हैं उनको सोल्व करने में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपने इस पोइम को बहुत इंजॉय किया होगा और इसके हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो घरों में रहें, महफूज रहें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।